मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर 11 हम स्टार्ट करने वाले हैं फैंस, इलेक्ट्रिक फैन के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फैन कितनी किस्म का होता है। तो फर्स्ट वन हमारे पास सीलिंग फैन होता है, जो कि सस्पेंडेड होता है छत से, फ्लोर से। सेकंड पेडेस्टल फैन होता है, जिसके साथ स्टैंड लगी होती हैं। थर्ड वन टेबल फैन, जो छोटे साइज का पेडेस्टल होता है और टेबल के ऊपर रख के लगाते हैं। एग्जास्ट फैन आपका छोटा फैन होता है, जो कि वेंटिलेशन ऑफ एयर फ्रॉम इन एंड आउट टू द रूम्स और बिल्डिंग या हॉल हम कराते हैं। और लास्ट वन है ब्रैकेट फैन, जो कि वॉल माउंटेड फैन भी होते हैं, जो कि दीवार के साथ हम इसको लगाते हैं। अब मेन जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है सीलिंग फैन। अब सीलिंग फैन कितनी कैटेगरी का है, इनकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है? सीलिंग फैन हमारे पास कुछ 36 इंच के होते हैं, कुछ 48 इंच के, कुछ 56 इंच के। इसका मतलब ये होता है 36 इंच, 48 इंच एंड 46 इंच का मतलब ये होता है कि इन फैंस की ब्लेड साइज़ 36 इंच से 56 इंच तक या एंड अबाउट, कुछ ऐसे भी इससे बड़े साइज़ की भी है। अब जितना ब्लेड लेंथ होगी, जितनी ब्लेड लेंथ होगी, उस हिसाब से पंखे का वज़न उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा वज़न के लिए ज़्यादा पीछे से पावर चाहिए। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा लंबाई के ब्लेड है, उनकी वाटेज ज़्यादा है, नॉर्मली 84 वाट एंड अबाव के होते हैं। 48 इंच के जो होते हैं वो 58 वाट एंड अबाव के होते हैं, और 36 इंच के आप कह सकते हैं कि 45 वाट एंड राउंड अबाउट 45 वाट, राउंड अबाउट 58, राउंड अबाउट 84 वाट। तो ये वाटेज जो है, ये ब्लेड वज़न के मतलब मोटर ने कितना वज़न उठाना है। बड़ा वज़न है ब्लेड का तो डेफिनेटली आपको पीछे से वाटेज ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये टिपिकल आपके पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लेड लेंथ। अब आते हैं कि इसमें जो मोटर यूज़ होती है वो कौन सी मोटर होती है, और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, और उसमें सप्लाई अरेंजमेंट का क्या तरीक़ाकार होता है उसको ऑन करने के लिए। मोटर जो इसका है वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और इसकी सप्लाई जो हम देते हैं वो थ्रू डैमर देते हैं। किस मकसद के लिए? कि हमारे पास एक इसकी करंट का कंट्रोल हो। डिमर लगा होता है फॉर करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोल या स्पीड कंट्रोल। क्योंकि करंट ज़्यादा मिलेगा तो पंखा हाई स्पीड से चलेगा, अगर करंट कम मिलेगा तो पंखा स्लो स्पीड से चलेगा। तो ये तो अरेंजमेंट है सप्लाई की। अब हम ये लास्ट में दिखाएंगे भी कि किस तरीके से हम डिमर पंखे के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं बोर्ड से। अब आते हैं इसकी मोटर कंस्ट्रक्शन की तरफ, जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। तो उसके लिए हमें इस चीज़ को समझना होगा कि ये आम बाकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से डिफरेंट कैसा है। तो ये कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या आता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, जिसमें एक रोटर और स्टेटर होता है आम इंडक्शन मोटर की तरह। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि सीलिंग फैन का जो रोटर होता है वो बाहर की तरफ होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीलिंग फैन का निचला पोर्शन है ना, उसमें इस तरह जो नीचे का प्लेट होता है उसमें इस तरतीब से एक रिंग होता है, और इसकी जो वाइंडिंग होती है ना वो सेंटर में होती है। इसमें शाफ्ट इस तरह दरमियान में लगा होता है, तो ये यहाँ पे वाइंडिंग होती है। तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है वहाँ पे आपके पास स्टेटर होता है, और जो बाहर जो आपके पास है, जो कि निचले प्लेट के साथ लगा होता है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, ये रोटर होता है। ये हमारा रोटर है, मतलब इसमें रोटर बाहर की तरफ और स्टेटर दरमियान में होता है। जबकि बाकी जितनी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, चाहे पेडेस्टल हो चाहे प्योर हो, उसमें रोटर यानी कोई रोटेटरी पार्ट, घूमने वाला हिस्सा दरमियान में होता है, और वाइंडिंग जो होती है वो बाहर की तरफ से होती है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है सीलिंग फैन का, कि इसमें रोटर सेंटर में होता है, और सॉरी रोटर बाहर की तरफ, स्टेटर वाइंडिंग दरमियान में होती है और रोटर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। और ये बाहर का जब रोटेट करता है तो नीचे का कप भी रोटेट करता है, जिसके साथ ब्लेड कनेक्टेड होता है, तो उसके साथ ये ब्लेड्स रोटेट करते हैं। अब इसकी स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग होती है,
स्टेशनरी होता है सेंट्रल पोर्शन, लेकिन इसके ऊपर वाइंडिंग होती है सिंगल फेज वाइंडिंग, जिसको स्प्लिट किया जाता है, तकसीम किया जाता है रनिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग में। अब ये रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी अरेंजमेंट सिर्फ बना देता हूँ कि ये हमारे पास लेट सपोज रनिंग वाइंडिंग है, लेट सपोज ये हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो यहाँ पे कैपेसिटर हम लगा लेते हैं और ये कॉमन कर लेते हैं। अब इसके साथ हमने डिमर कनेक्ट करना, ये हमारे पास पंखा है, ये दरमियान में मैंने क्या कर दिया रोटर वैसे शो करने के लिए कि ये रोटर इन दोनों के जरिए से रोटेट करेगा। तो ये हमारे पास रनिंग वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई डायरेक्ट दी जाएगी और स्टार्टिंग वाइंडिंग को थ्रू कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर दी जाएगी। तो ये तो कंस्ट्रक्शन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ लगाया जाएगा और जो रनिंग वाइंडिंग है वो डायरेक्ट सिंगल फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट की जाएगी। अब जब मैं डिमर को डिमर की मदद से इसको सप्लाई दूंगा तो वो हमें कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ बोर्ड के साथ, ये हमारे पास अरेंजमेंट है। ये फैन है, फैन को हमने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया और फेज जो इसका है गर्म वायर वो हम देंगे थ्रू स्विच एंड रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या करता है, हमारे पास फेज की सीरीज़ में लगा होता है, ये स्विच ऑफ है तो पंखा नहीं चलेगा डेफिनेटली, लेकिन जब हम स्विच को क्लोज़ करेंगे तो क्लोज़ करते ही रेगुलेटर में सप्लाई आएगी, रेगुलेटर से आउट हम वायर लेके जाएंगे वो हम देंगे फैन में। अब देख ले जब हमने स्विच ऑन कर दिया तो अब हम करंट को कंट्रोल करते हैं और इसकी एडजस्टमेंट करके हम यहाँ पे करंट की लेवल को चेंज करते हैं। अब करंट का लेवल चेंज होगा, ज़्यादा होगा तो हाई स्पीड से चलेगा, करंट का लेवल कम होगा तो ये स्लो स्पीड से चलेगा। तो ये अरेंजमेंट है सीलिंग फैन कनेक्शन के लिए। उम्मीद है कुछ फ़ायदा हो चुका होगा फ़ैन की कंस्ट्रक्शन के हवाले से। आगे इंशाल्लाह ऑनवर्ड लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे जितने भी हम ये प्रैक्टिकल लेक्चर्स थ्योरेटिकल बेसिस पे डिस्कस कर चुके हैं इनका प्रैक्टिकल भी कंफर्म कंडक्ट कर लें और साथ में इनकी फॉल्ट एनालिसिस कि इनके फॉल्ट्स क्या आ सकते हैं और उन फॉल्ट की रेमेडीज़ हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।